गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दो न्यूज़ है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर बात की गई है, एक जो है सो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। तो और एक और आर्टिकल है वो कोरियन पेनिनसुला के बारे में, थोड़ा समय कम है मेरे पास, कल उसको ऐड ऑन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर देखो आप, नीति आयोग, ये नीति आयोग ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच, ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, पहले तो ये जानो कि OECD के साथ मिलकर बना हुआ है। तो क्या करेगा, तो ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करेगा। इसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए एज एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके पार्ट नहीं है, लेकिन BS6 हमने लाया, क्यों लाया, कार्बन एमिशन कम हो। भारत 2008 से इसका सदस्य है, ITF का इसका पार्टनर है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यही थोड़ा कंटेक्स्ट था, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो MP गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम, वुमेन एम्पावरमेंट इन वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। इन दिस स्कीम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की जो वुमेन होगी वो क्या करेगी, बिजली बिल वसूलेगी और जमा करेगी, इससे चोरी बचेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, महिलाओं को मिलेगा सब कुछ। तो ये बातें इसके अंदर कही जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में बात की गई है। अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान है क्या, तो इसको सबसे पहले आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो माइग्रेंट्स इस लॉकडाउन में घर वापस गए, अगर घर वापस गए तो अब ये घर पे करेंगे क्या, तो 125 दिन का गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उस जगह पर जहाँ 25,000 से ज़्यादा माइग्रेंट जा चुके हैं, मतलब हैं, रह रहे हैं। तो खगड़िया से ये स्टार्ट होने वाला है, एक बिहार का एक जगह है, वहाँ से मोदी जी करेंगे, प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो इसकी ज़रूरत क्यों, तो ज़रूरत तो आप हम अच्छी तरह से समझ रहे हो कि बहुत सिचुएशन ख़राब है, इकोनॉमी का डमाडोल स्थिति है, स्किल लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, तीनों के लिए है, जैसी जिसकी क्षमता उसका चार्ट बना के उसके अनुसार उसको वर्क दिया जाएगा। क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, डिमांड देखो गाँव में विलेज में बढ़ रहा है लेकिन शहर में कम है, और गांव में अगर इस तरह की चीज़ों को पहचान लिया जाए तो जाहिर सी बात है अच्छा हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि 6 राज्य में, बिहार मतलब एक, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 12 मिनिस्ट्री इसके अंदर है और रूरल मिनिस्ट्री इसका नोडल एजेंसी है। देखो इसका जो कोऑर्डिनेशन होगा, DM इसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि वही डिस्ट्रिक्ट में है, अच्छी तरह से वही डाटा वगैरह लेकर के, स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, तो मनरेगा का भी डाटा है इस गवर्नमेंट के पास, तो इन सब का समावेश करके एक अच्छा लिस्ट तैयार करके डिमांड इकोनॉमी में बढ़ाई जा सकती है। देखो एक संशय क्या है कि जो लेबर जा चुके हैं वो वापिस आएंगे नहीं आएंगे, या आएंगे तो कितने पैसे लेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे या उसी, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, डिमांड कैसे जनरेट करे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आप कह सकते हो। तो यहाँ पर जो है सो ये सारी बातें हो रही है, तो फेडरल स्ट्रक्चर का एक अच्छा नमूना आप कह सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।